सर्वोच्च न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के बावजूद अलवर जेल में बंद 18 वर्ष से अधिक आयु के बंदियों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन अभी तक नहीं लग पाई है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अलवर जेल में अब तक 26 बंदी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से वर्तमान में 4 बंदी कोरोना संक्रमित हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। बाकी 22 संक्रमित बंदी नेगेटिव हो चुके हैं। जेल अधीक्षक संजय यादव ने बताया कि जेल में 45 वर्ष से अधिक आयु के बंदियों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन 18 वर्ष से अधिक आयु के बंदियों को कोरोना के बचाव के लिए वैक्सीन अभी तक नहीं लग पाई है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग को पत्र भी लिखा जा चुका है। वर्तमान में अलवर सेंट्रल जेल में पूर्णबंदी शिविर को मिलाते हुए लगभग 1000 बंदी निरुद्ध है, और आज तक इस जो दूसरी लहर के दौरान लगभग 26 बंदी हमारे हैं पॉजिटिव हो चुके हैं। उनमें से वर्तमान में है केवल 4 बंदी है पॉजिटिव हैं। एक बंदी को हमने है लॉर्ड्स चिकानी हॉस्पिटल में है भेजा हुआ है, वहाँ उसका इलाज चल रहा है। बाकी 3 बंदी हैं वो जेल में ही आइसोलेशन में है और उनका इलाज हम है रेगुलर कर रहे हैं। मैं भी है उनको रोजाना है देखता हूँ, और डॉक्टर साहब उनको है रोजाना विजिलेंट रह करके उनका है।